दोस्तों, अडानी ग्रीन के शेयर ने एक मासिव रिटर्न्स दिया है। इस चैनल पे पहले भी उसकी एनालिसिस कवर की गई है। दोस्तों, रीसेंट टाइम में अगर देखें, पिछले 1.5 मंथ्स के दौरान इसमें एक साइजेबल करेक्शन हुआ है, समथिंग अराउंड 33% के आसपास। तो क्या अडानी ग्रीन में अब बहुत जल्दी एक फिर से लॉन्ग टर्म पोजिशनल व्यू को लेने की अपॉर्चुनिटी आने की संभावना है? तो आज हम इस सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे, अडानी ग्रीन शेयर की टेक्निकल एनालिसिस करेंगे प्राइस चार्ट के ऊपर में, और जो स्टॉक मार्केट के बिगिनर हैं वो समझ सके कि एनालिसिस करने की प्रोसेस क्या होती है। दोस्तों, आपके इस चैनल के ऊपर में हम हर महीने 50 से अधिक वीडियो लेके आते हैं स्टॉक एनालिसिस के ऊपर में। ट्यूटोरियल वीडियो आते हैं, जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। वीक ऑन वीक हम एक वीडियो नया लेके आते हैं, और कमोडिटी मार्केट की एनालिसिस, 3 PM स्टॉक मार्केट, आस्क डीके लाइव स्ट्रीमिंग। तो दोस्तों, अगर इससे आपको वैल्यू एडिशन मिलता है तो आपके फीडबैक को मैं चाहूंगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए दोस्तों, स्ट्रेट अवे प्राइस चार्ट पर चलते हैं और अडानी ग्रीन शेयर की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों, हम रेफर कर रहे हैं अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर को मंथली प्राइस चार्ट पर। देखिए, मासिव अप ट्रेंडिंग स्टॉक है, हायर हाइज एंड हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर है। प्राइस ने यहां पर काफी दिनों तक कंसोलिडेट किया और इसके बाद एक बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ और प्राइस अपसाइड मूव की। उसके बाद फिर से प्राइस ने यहां पर कंसोलिडेट किया और एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। रीसेंट टाइम में देखें दोस्तों, तो अप्रैल 2022 में इसने एक लाइफ टाइम हाई बनाया 3050 का, और करंट मंथ में जो लो था वो 2035 का था। तो इस आधार पे अगर हम देखें तो करीब 33% का ये ड्रॉडाउन था पिछले पीक से। क्या ये करेक्शन की समाप्ति हो चुकी है, और क्या अडानी ग्रीन का शेयर फिर से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देने वाला है अगले पॉसिबल टारगेट के लिए, वो चर्चा करते हैं। दोस्तों, मैं कुछ ड्राइंग को सुपर इम्पोज करता हूं ताकि एनालिसिस को हम आगे डिस्कस कर सकें। यहां पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस ट्रेंड लाइन को, प्राइस का सपोर्ट, और ये ट्रेंड लाइन जो है एक वैलिड ट्रेंड लाइन के रूप में एक्ट कर रही थी, और ये रेजिस्टेंस लाइन को देखें, प्राइस का रिजेक्शन, मल्टीपल रिजेक्शन, और इसका क्लोजिंग बेसिस पर जो ब्रेकआउट हुआ वो हुआ जनवरी 2022 में। लेकिन दोस्तों, उसके बाद प्राइस कंसोलिडेशन में चली गई, लेकिन ये दोनों जो राइजिंग वेज का फॉर्मेशन हुआ ये प्राइस के एक्सपेंशन को इंडिकेट करता है, और दोनों ट्रेंड लाइन के बीच का जोन जो है वो एक डिमांड जोन बन गया। अब यहां देखिए, प्राइस ने इस डिमांड जोन पे कंसोलिडेट किया और एक बुलिश कैंडल बनी, और करंट मंथ की कैंडल को देखें तो एक लोअर शैडो का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है। इसका तात्पर्य है कि प्राइस में देखें, यहाँ पे प्राइस का मल्टीपल रिजेक्शन था, प्राइस यहाँ सपोर्ट ले रही है। अगर हम पिछली इंपल्सिव वेव का एक रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें तो फिलहाल प्राइस गोल्डन रेशियो दैट इज 61.8% पे सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। तो हमें दोस्तों कई कन्फ्लुएंस यहाँ पे पता लग रहे हैं। एक तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो पहले रेजिस्टेंस थी सपोर्ट के रूप में काम कर रही है, सेकंड गोल्डन रेशियो पे सपोर्ट ले रही है प्राइस, एंड थर्ड दोस्तों हम इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और इस राइजिंग वेज का जो पोर्शन है वहां पर ये प्राइस सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। फर्दर प्राइस एक्शन को देखें, इस दो डॉटेड लाइन पे ध्यान दें। प्राइस ने रिसेंट टाइम में लो बनाया 2035, और यहां पर देखिए 78.6% जो डेरिवेटिव है गोल्डन रेशियो का वो है 1986 पे। तो इन एनी केस 1980 के आसपास तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है, क्योंकि यहां देखिए प्राइस का रिजेक्शन था, प्राइस ने रेजिस्टेंस फेस किया बिफोर इट वाज ब्रोकन आउट इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2022, एंड मासिव सर्ज वॉल्यूम में देखा गया। अब दोस्तों, लॉन्गर टर्म परस्पेक्टिव में अगले टारगेट को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें तो हम क्या देखते हैं कि यहां पर प्राइस ने एक कंसोलिडेट किया था, तो यहां पे एक पोल का फॉर्मेशन हुआ और ये प्राइस ने एक कंसोलिडेशन किया।
तो अगर हम इस फ्लैग के बेसिस पर एक टारगेट को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें तो देखिए ये मैं टारगेट को प्रोजेक्ट कर रहा हूं, तो हम क्या देखते हैं, इसने जो है 61.8% एक्सपांशन का टारगेट अचीव कर लिया है। इसका मतलब अगला टारगेट कहाँ होगा, 100% एक्सपांशन पे होगा। तो वो 3500 कैलकुलेट होके आता है। फिलहाल प्राइस जब हम ये एनालिसिस कर रहे हैं तो 26 मई 2022 को इसकी क्लोजिंग हुई है 2164, तो काफी साइजेबल, करीब 1400 पॉइंट्स का यहां पर एक जंप नजर आ रहा है। तो रिस्क कम है, रिवार्ड का पोटेंशियल अधिक नजर आ रहा है। चलिए वीकली प्राइस चार्ट पर चलते हैं ताकि एनालिसिस को आगे बढ़ा सके। यहां पर हम देखें वीकली प्राइस चार्ट में तो कई वीक्स तक प्राइस ने यहां कंसोलिडेट किया है। मैं ये सारी ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूं दोस्तों, और ये कंसोलिडेशन बैंड को मार्क करना अत्यंत आवश्यक है। यहां देखिए प्राइस ने कई दिनों तक कंसोलिडेट किया है, इसका मतलब ये इतना लंबे दौरान तक जो कंसोलिडेशन था जिसका ब्रेकआउट हुआ 4 अप्रैल 2022 को और सब्सटेंशियल राइज इन दी वॉल्यूम देखा गया, तो ये अपने आप में ये जो जोन है अब डिमांड जोन के रूप में एक्ट करेगा और वहीं पर देखिए कुछ बाइंग आती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों यहां पर अगर हम एक ट्रेंड लाइन खींचने की कोशिश करें, मैं आपको ट्रेंड लाइन खींच के दिखाता हूं, तो ये देखिए मैं एक ट्रेंड लाइन खींच रहा हूं। ये ट्रेंड लाइन क्यों सिग्निफिकेंट है, प्राइस ने यहां सपोर्ट लिया, इसको थोड़ा सा मैं फाइन ट्यून करता हूं, सपोर्ट लिया, यहां सपोर्ट लिया, यहां सपोर्ट लिया, और ये ट्रेंड लाइन देखिए इस कंसोलिडेशन बैंड में कहीं ना कहीं इंटरवीन करती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब हमें ये कंसोलिडेशन बैंड जो डिमांड जोन के रूप में देख रहे हैं, इसके डिमांड जोन के रूप में एक्ट करने की संभावना काफी नजर आ रही है। तो यहां पर ये ट्रेंड लाइन हमें मदद कर सकती है एक लॉन्ग पोजिशनल व्यू लेने में, जिसमें हम अपने स्टॉप लॉस को इस ट्रेंड लाइन से नीचे वोलाटिलिटी का कंसिडरेशन कर ले एटीआर वगैरह को देख के, और उसके बाद इस ट्रेंड लाइन को एक रेफरेंस मान के इससे 1 ATR नीचे स्टॉप लॉस को रख सकते हैं और एक लॉन्ग पोजिशनल व्यू लिया जा सकता है जैसा प्राइस स्ट्रक्चर इमर्ज हो रहा है। अब बढ़ते हैं डेली प्राइस चार्ट पे ताकि रीसेंट प्राइस एक्शन की हम स्टडी कर सके। अब यहां देखिए दोस्तों इतने मेजर करेक्शन का, करीब अभी देखा हमने 33% का ड्रॉडाउन हुआ है, उसके बावजूद इसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड सभी बुलिश है। आज के ट्रेडिंग सेशन की कैंडल को देखें 26 मई की, तो कहीं ना कहीं प्राइस इस कंसोलिडेशन बैंड पे सपोर्ट लेके एक लार्ज लोअर शैडो का फॉर्मेशन है जो इंडिकेट करता है कि इसमें बाइंग आती हुई नजर आ रही है। तो यहां पर एक पॉसिबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी क्या चाहिए, जो एग्रेसिव ट्रेडर है आज की कैंडल के हाई के ऊपर में बाय लिमिट स्टॉप ऑर्डर डाल सकते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा के, जो आपको जीरो टू हीरो के ट्यूटोरियल सीरीज में सिखाया गया है। अगर आपने नहीं देखे ये सब वीडियो तो जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट है चैनल पे, उसमें वीडियोस हैं, उसमें आप स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं, और वो ट्रिगर हो गया तो आप ट्रेड में आ जाएंगे, आपका स्टॉप लॉस बहुत कम होगा और रिवार्ड का पोटेंशियल काफी अच्छा होगा। जो लोग लेस एग्रेसिव ट्रेडर है, यहां देखिए ये टिपिकली ये एक रेंज में ट्रेड हो रहा है, तो प्राइस इस रेंज के बाहर चली जाए, यानी हम जीटीटी ऑर्डर डाल सकते हैं 18 मई की कैंडल का जो हाई है उसके ऊपर में, और फिर ये कंसोलिडेशन बैंड से थोड़ा सा नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, तो ये एक लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड को हम देख सकते हैं। अगर यहां पर देखें एक वेल डिफाइंड फ्लैग बनता हुआ नजर आ रहा है, अगर इसकी हम एनालिसिस करें तो देखिए दोस्तों यहां पर हम इसके टारगेट को निकाल रहे हैं, देखिए ये टारगेट अचीव करके करेक्शन हो रहा है, इसका मतलब अगला इमीडिएट टारगेट जो है 3110 है और उसके बाद 3500 जो अभी चर्चा की गई दोस्तों, और मे बी 3600। तो टारगेट्स हमेशा नोशनल होते हैं, ये जितने भी स्टॉक मार्केट के बिगनर्स हैं उन्हें दिमाग में रखना चाहिए। स्टॉक मार्केट में आप पैसा तभी कमा सकते हैं जब आप ट्रेंड को राइड करते हैं एंड स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं, ताकि रिस्क को मैनेज कर सकें, और आपकी स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि जो कमाया हुआ पैसा है, प्रॉफिट है, उसे प्रिजर्व कर सकें। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरह से अपने आप को पोजीशन करते हैं स्टॉक मार्केट में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा अडानी ग्रीन के शेयर के ऊपर में। ढेर सारे लाइक कीजिएगा,
आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को इनेबल कर दें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहे। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों अतिशीघ्र।